स्कोडा कायलैक की गल कर रहे हैं आप इस व्लॉग में, तो गल करांगे आप गड्डी केड़ा इंजन है, किन्ने दी लॉन्च की है, कदों मिल सकती है, की फीचर है, तो ऑन रोड कदों आ जाएगी। इस करके उसके वास्ते साडा व्लॉग जरूर सारा ये डिटेल च वेखियो, असी प्रॉपर डिटेल से व्लॉग दे रहे हैं थोनू, ड्राइव नहीं दे रहे, ड्राइव वास्ते एक नैक्सट व्लॉग होगा, बट इस व्लॉग में सारे फीचर्स होर गल्लां करांगे, इस करके कंटीन्यूअसली सारा व्लॉग जरूर देखियो। थोनू दिखा रहे हैं स्कोडा कायलैक जिहड़ी कि लॉन्च हो चुकी है अज्ज, ठीक है, इहदा लॉन्च सीगा, असीं ऑलरेडी इहदा एक व्लॉग दे चुके हैं, बट गल करांगे डिटेल दे विच कि गड्डी दे विच की आया है, की फीचर्स है, किद्दां दी हैगी है। बहुत सारे लोगों ने वैसे तो लास्ट व्लॉग के उत्ते भी कमेंट किए हैं, असीं उहदे विच भी कुछ गल्लां नोट कीतियां, बट गल करांगे इस गड्डी दी जिहड़ी कि बहुत सोहणी लुक दे विच है। मेजर गल इत्थे की करन वाली है, मेजर गल इत्थे इह करन वाली है प्राइस दी, क्योंकि हरेक बंदा अजकल अपनी मेहनत नाल पैसे कमाउंदा है, सारा कुछ उहनूं है कि सानूं एक बैस्ट प्राइस दे विच बैस्ट कार मिल जाए, तो इह स्कोडा वैसे तो जाणिया जांदा है अपनी सेफ्टी ली, अपने फीचर्स ली, ते अपनी चीज़ बिल्ड क्वालिटी वास्ते, इस करके जेड़े प्राइस से इन्होंने गड्डी लॉन्च की है मैनू नहीं लगता भी इन्ने वधिया फीचर्स तुहानू मिल सकते हैं। पर प्राइस की गल करांगे आप एंड च, वैसे तो असीं अपने इंस्टाग्राम से दस चुके हैं। फ्रंट लुक की गल कर लीए, वैसे मैं थोड़े दसना भी चाहना, गड्डी जी 1.0 लीटर जी कि इन्होंने लॉन्च की है, 3 सिलेंडर के इंजन आता, 6 स्पीड गेयरबॉक्स आता, जो ऑटोमैटिक मैनुअल भी थोड़ा मिल जाती है, पेट्रोल वेरियंट है, बहुत सारे ये फीचर होर भी है। तो फ्रंट लुक की जो आप गल करिए, थोड़ा डे लाइट रनिंग DRLs मिल जाते हैं, प्लस थोड़ा इतने फॉग लैम्प प्लस प्रोजैक्टर मिल जाता है, ठीक है, प्रोजैक्टर है, LED प्रोजैक्टर मिल जाता है, थोड़ा ये फॉग लैम्प मिल जाता है, बहुत ही सोहना डिजाइन है, ये थोड़ा डिजाइन इन्होंने इतों चेंज किया, देख सकते हो ग्रिल जी इन्होंने नवी थोड़ी इंट्रोड्यूस की है, वैसे तो इनू कंपैरिजन किया जा रहा बहुत सारिया गड्डियों के, कि कंपैरिजन किया जा रहा भी कमेंट करके दस्यो, बट मैं एंड दस दूंगा भी कि कंपैरिजन तुम कर सकते हो। स्कोडा का इतने थोड़ा लोगो मिल जाता है बहुत सोहना, ये लाइक थोड़ू यदि ग्रिल्स वगैरह मिल जाए, काफ़ी हैवी क्वालिटी के हैगिया ने, जो आप गल करिए बाकी गड्डिया ना बिल्ट क्वालिटी बहुत ज़्यादा वधिया है, स्क्रीन मिल जाती है ये, हाँ ADAS वगैरह थोड़ू नहीं मिलता, क्योंकि चलो मे बी इन्होंने अपडेट जो वर्जन आने वो दे देना, क्योंकि ये वैसे तो टॉप मॉडल है, इस मैं पता नहीं देने नहीं, पर टॉप मॉडल की प्राइस भी डिस्कलोज अजे नहीं हुई, वो थोड़ा रोक के होगी, पर जो आप बाकी इन्हें गल करिए इंजन भी वैसे तो दिखाई देने आ जाओ, जो ये इंजन की गल करिए आप, ये सारा यदा इंजन आता, काफ़ी हैवी मटीरियल ये यूज़ होया, क्योंकि इन्होंने उदे विच कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं करते, ये 1.0 लीटर इंजन आता, 3 सिलेंडर जिहड़ा वा कि ये इंजन हैगा पेट्रोल, तो ये ऑटोमैटिक वेरियंट ऑटोमैटिक भी आता है, तो मैनुअल भी आता, सारा तुसीं देख सकते हो बहुत वधिया तरीके नाल इत्थे ये सारा इंजन हैगा, काफ़ी हैवी मटीरियल नाल ये बनया होया, जे तुसीं आपां गल करिए, तो इस करके सारे इंजन दे शॉट आ गए, इहनूं आपां जे बंद करिए तुहानूं आवाज़ तो ही पता लग जूगा भी गड्डी किड्डी जबरदस्त बनी हुई है। स्क्रीन की गल कर लिए, सारी स्क्रीन आ जाती है यदि ये भी काफ़ी नवे जिदा कि फीचर्स वगैरह इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। जे हम अगले बने आप गल करिए अलॉय व्हील्स की, 17 इंच ये कि अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिड़े कि सीएट के टायर के नाल 205/55/17 नंबर टायर आता, ठीक है, ड्यूल टोन थोड़ू अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जेडे कि बहुत वधिया है, बाकी ये ब्लैक कलर के नाल थोड़े जहा ग्लॉस नहीं है, ये मैट ब्लैक कह सकते हो, प्लास्टिक के है पार्ट्स जेडे कि बहुत वधिया वाले ने। जे आप साइड लुक की गल करिए, सारी गड्डी की साइड लुक आती है कि बहुत ही वधिया, वैसे जे गल की जाए मिनी SUV इनू कहा जाता है, तो बहुत ही वधिया ते कंपैक्ट कार है, मैंने जो कि मैनू दिखी है, मैंने ये कोई फर्क नहीं लग्या, कोई तोड़ नहीं लग्या, क्योंकि फीचर वाइज भी प्रॉपर लोडिड कार हैगी है, बजट की भी गल कर लिए बहुत जैनुअन बजट हैगी है, तो ये सारे ये उपरले बने थोड़ा रेलिंग्स मिल जाएं ने, सन रूफ एक ये मिल जाती है, तुम उत्तों देख सकते हो, मून रूफ नहीं सन रूफ मिलती है प्रॉपर थोड़ू, जी कि बहुत वधिया वाली हैगी है, थोड़ू इतने नाल ही ये लाइक क्रोम हैंडल्स मिल जाते हैं थोड़े जे टच के नाल, पिछों भी चैक कर सकते हो डीज पेट्रोल टैंक इधरले बन्ने आ जाता है, मिरर्स के मिल जाता है। बैक साइड की आप गल करिए, तो कुछ नवा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिवें कि तुम देख सकते हो LED लाइट्स पिछों ने थोड़ी जी कट वाली ने, पिछों मैंने जरूर दस्यो भी थोड़ा किदा की लगी है, क्योंकि तुम जो कमेंट्स दे रहे थोड़े जो लोगों ने मैंने कहा कि सानू थोड़ी होर तरह की लगी है, बट मेरे हिसाब ना बहुत वधिया है, पिछले डी फॉगर्स थोड़ा मिल जाते हैं, ये स्कोडा की बैचिंग मिल जाती है जी नवी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, ये थोड़ा बंपर प्लास्टिक मिलता है कि इन केस कल कोई प्रॉब्लम आए तो इशू ना पवे। हाँ आई नो कि प्लास्टिक थोड़े चिर बाद थोड़ा ब्लैक कलर जो थोड़ा कि वाइट पंच आ जाता है, पर चलो ये तो निक्किया निक्किया गल्लां ने, इस करके सारी साइड लुक आ जाती है, ये इधरों लुक आ जाती है, ये इधरों यदा अलॉय व्हील आ जाता है। हुण जे आपां इहदे अंदर की गल करिए, फिर अंदरों भी दस देना कि किद्दां दी हैगी, तो दोस्तों चलते हैं ये अंदर गल करांगे अंदर के फीचर्स की, अंदरों किद्दां दी हैगी, आओ चलते हैं अंदर। फस्ट ऑफ ऑल तो जो असीं बारी खोलते हैं तुहानूं इलैक्ट्रिक सीट्स मिलणगियां, जिवें कि मैं दस्या सीगा, ठीक है, ये ड्राइवर सीट भी इलैक्ट्रिक मिलेगी, तो कनैक्टर सीट भी इलैक्ट्रिक मिलेगी थोड़ू, बाकी ये आप जो बारी की गल करिए, ये थोड़ा लाइक सारे स्विचिस वगैरह थोड़ा जिहा इन्हां नूं चेंज किया, बहुत ही वधिया फिनिश दे विच है, लैदर रैप थोड़ा मिलता है, बेसिकली टॉप मॉडल हैगा, ये थोड़ा नॉर्मली ही सारा मिलता है, आई थिंक इतने DRL वगैरह की इन्होंने
फैसिलिटी दी हुई भी तुम लवानी चाहो तो वो लवा सकते हो। चलते हैं अंदर, आप अंदर बहने से गल करते हैं। तो दोस्तों आप बह गए ये अंदर। फस्ट ऑफ ऑल तो जो आप बहन की गल करिए तो थोड़ी जी बकेट फिटिंग के सीट मिलती है यदि जी कि साइड भी थोड़ा आ तुम चीज़ा देख सकते हो भी थोड़ा प्रॉपरली फिक्सअप के नाल बड़ा ही कंफर्टेबल जी सीट है। स्कॉडा ये जाने भी जाता है ऑलवेज थोड़ा पता है ना। जे भाई ये अंदर की होर गल करिए सिक्स वे इलैक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स थोड़ा मिल जाएँ जी कि इलैक्ट्रिक थोड़ा सीट्स मिल जाएँ ने। दूजिया वेंटीलेटेड सीट्स है ने, सनरूफ भी थोड़ा मैं दसता कि सनरूफ मिलती है, इलैक्ट्रिक सनरूफ ये आ जाती है सारी। क्लचर स्क्रीन हैगी है 20 इंचज की थोड़ा मिलती है, डिजिटल सारी स्क्रीन हैगी कि प्रॉपर सारा कुछ पता लगता रहा है। दैन जे वायरलैस चार्जर थोड़ू ये एक मिल जाता है। दैन अगले बने गल करिए 25.6 सेंटीमीटर की थोड़ा सारी स्क्रीन मिलती है। बाकी आप गल करिए जो आप स्टेयरिंग की गल करिए तो थोड़ा लैदर रैप स्टेयरिंग मिलता है जो कि अच्कल प्रीमियम जाने जाता हरेक चीज़ के प्रॉपर। यदा थोड़ा लाइक इतने एयरबैग भी ये मिलता है, प्लस थोड़ा लाइक ये मिलते हैं लाइक कंट्रोल्स वगैरह इतने स्टेयरिंग मिल जाते हैं। बहुत ही सोहनी लुक के स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। प्लस गल करिए तो अंदर की होर गल कर लिए तो फस्ट ऑफ ऑल तुम्हें डैशबोर्ड जो सारा देख सकते हो बहुत ही वधिया डैशबोर्ड। स्कॉडा की बैचिंग मिल जाती है, ये ड्यूल टोन थोड़ा इंटीरियर मिलता है जिद कि लाइक इन सिंपल है, कोई लैदर रैप नहीं है। जिम्मे कि मैं दसिया सिक्स एयरबैग्स ये मिलते हैं ठीक है, क्योंकि इस सेफ्टी फीचर्स के लिए जानी भी जाती है। तो दोस्तों जो अं गड्डी में लाइक स्टार्ट करते हैं प्रॉपर थोड़ा ये भी ये प्रॉपर एक डिस्प्ले मिल जाती है डिजिटल क्लचर के नाल ठीक है। प्लस ये थोड़ा इन्फ्लुएंस सिस्टम मिल जाता जो कि लाइक कार प्ले एंड्रॉयड प्ले सारा कुछ एप्पल कार प्ले वगैरह सारा कुछ ये आ जाता है। बाकी होर भी बहुत सारे ये फीचर्स अच्कल इन्होंने पाते हैं, टच स्क्रीन है बहुत स्मूथ है, नैविगेशन सिस्टम वगैरह तो मतलब बाकी बहुत कुछ जो फीचर अच्कल हरेक कार के मिलते हैं वो ये भी है। प्लस थोड़ा ये एसी विंट्स मिल जाते हैं बहुत ही वधिया एसी विंट्स ने ठीक है। प्लस गल की जाए तो इतने सारे तुम्हें डिजिटल जोड़ा कि सारा टच स्क्रीन टच वाला जो सारा थोड़ा ये मिल जाता है। यदा लाइक कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, एसी ऑटो एसी वगैरह ये एयर केयर वगैरह काफ़ी फीचर्स ये है। ये ऑटोमैटिक वेरियंट है साढ़े को जो कि अं देख रहे हैं। मैं जिम्मे कि पहला भी दसिया कि सिक्स स्पीड ऑटोमैटिक मैनुअल वेरियंट दोवें ही आते हैं ठीक है। इस करके बहुत सोहना है। सनरूफ वगैरह की जो गल करिए सिंगल टच जी सारी सनरूफ हैगी है, तो इलैक्ट्रॉनिक सनरूफ ये मिलती है, मूनरूफ नहीं हैगी पर सिंगल टच ना ही खुल जाती है तुम देख सकते हो। तो जिदा ही इनू लाइक रोकने की कोशिश करो सिंगल टच से रुक जाती है सारी, ये भी काफ़ी वधिया फीचर है। दूजी गल सनरूफ की गल करिए प्रॉपर इतों शुरू होंगी है लाइक थोड़ू ड्राइविंग वे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रीज़न की है जो उपर वाली लाइट्स पैदा ने इतने जे अगे वो शुरू होंगी हो फिर तुम्हारी अखा च पैंती है, यदा इदा का कोई पंगा नहीं, तुम ईजली ड्राइव कर सकते हो तो पिछला बंदा भी ईजली सारा व्यू लै सकता है। बाकी अंदरों बहुत सोहनी गड्डी है। बाकी स्कॉडा का थोड़ा पता ही है ऑलवेज थोड़ा जहा मिक्सअप रहा ही है गड्डिया के। होर भी चीज़ा निक्की मोटी गल करिए थोड़ा यह स्टेयरिंग एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिल जाता है, टैलीस्कोपी जो सारा स्टेयरिंग मिल जाता है तो तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जिते भी करना चाहो। इधर भी थोड़ा एसी विंट्स वगैरह मिल जाते हैं तो काफ़ी कंपैक्ट जी लाइक थोड़ा एस यू भी मिलती है। दूजी गल कर लिए इतने थोड़ा 12 वोल्ट का जो कि थोड़ा इतने चार्जिंग मिल जाती है ठीक है। वायरलैस चार्जर ये आता है, सी पोर्ट्स इन्होंने ये दीतियां ने ऑलरेडी, फोन भी होल्ड करने वास्ते इन्होंने वक्रा देता, आम रेस्ट एक मिल जाता है नॉर्मली लाइक तुम देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी स्पेस मिल जाती है जिसे कोई चीज़ वगैरह नाल रखनी है वो मिल जाती है। हैंड ब्रेक मिल जाती है, ये गल की जाए जिम्मे कि अच्कल इलैक्ट्रिक जिदम कि अगर ऑटो होल्ड वगैरह या वो सिस्टम वो फीचर है जिसे इन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस किया, पर जो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत जेन्युइन है। टिंटेड ग्लास थोड़ा ये मिलते हैं, एयरबैग सिक्स ये मिलते हैं ठीक है, मतलब कि मैनू तो अंदरों भी कोई कसर नहीं लगी। बाकी है भी तुम्हें दसना कि थोड़ा इंटीरियर यदा किमें लगे कमेंट करके, क्योंकि साढ़े लिए भी वो चीज़ा वधिया हो जाएं ने, तो इस करके सारा अंदर का यदा सिस्टम है। तो दोस्तों जो पिछे की भी गल करिए बहुत कंफर्टेबल सीट है, तुम स्पेस चैक कर सकते हो, काफ़ी लैग स्पेस मिलती है, थोड़ी जी आ कसर हैगी है। बाकी वो पिछली सीट जो एडजस्ट करेंगे वो होजूगा। थोड़ा सेंटर के आर्मरैसट विद ग्लास होल्डर मिल जाता है, पिछले थोड़ा एसी विंट्स मिल जाते हैं, सी पोर्ट चार्जिंग मिल जाती है क्योंकि अच्कल सारिया केबल सी पोर्ट ही आ रही ने। प्लस एक खास गल दस देना, इतने इन्होंने फोन होल्डर पिछली सीट्स भी देता हो कई बार पंगा ना पवे, इस करके तुम इतने अपने फोल्डर फोन रख सकते हो। पिछले जगह दी हुई है, बहुत ही सोहना लैदर यूज़ होया वा सीट्स के प्रॉपर, ये सारी बहुत ही वधिया लाइक कह सकते हो। पिछले भी थोड़ा लाइक पावर विंडो के स्विचेस वगैरह मिल जाते हैं, बाकी एयरबैग्स मिल जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये फीचर्स इदा के अवेलेबल है। जे आप डिग्गी की गल कर लिए तो इनू आप सिंगली इदा ओपन कर सकते हैं। प्लस ये 446 लीटर की थोनू जी कि स्पेस मिल जाती है, जे मान लो मैं कह मैं बहना वा बच्चे तो मैं खुला डुला बह सकता, 446 लीटर की बूट स्पेस है डिग्गी के, बहुत वधिया स्पेस हैगी है। प्लस थोड़ा इतने 3 किलो तक का तुम कुछ हैंग करना वे वास्ते इन्होंने इतने होल्डर भी दे दिता हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। जो तुम इन खोल लें फिर स्पेस होर ज़्यादा वध जाती है, मैं थले मैनशन किया हुआ। गड्डी की गल करिए 1.3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन ये आता है, 6 स्पीड मैनुअल भी थोड़ा मिल जूगा, ऑटोमैटिक भी मिल जूगा। जे आप गल करिए गड्डी की स्पीड की जिदा कि कह दें
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 0 ਤੋਂ 100 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10.5 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੋਡਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਲੌਗਸ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3995 mm ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 189 mm ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਇਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। 17 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਮਿਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੂਟ ਸਪੀਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 446 L ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟ ਸਪੀਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਨਰੂਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਸੀਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਰਸ਼ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕਦੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਾਰ ਡਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ। ਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਨੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7,99,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸ ਸ਼ੋਰੂਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਫਰਕ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਟੋਪ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਿਵੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਰ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗਸ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।